29 30 दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है सीडीपी का। ये पहले खत्म हो जाते हैं, दो ही रह गए, फिर उसके बाद ईवीएस ले सकते हैं मगरिब के बाद। तो ये फर्स्ट है क्या, चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड हॉप बिफोर शी कैन स्किप। स्किप से पहले वो रन, भागना और हॉप करना, हॉपिंग, कूदना, उछल कूद। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इसमें क्या इलस्ट्रेट करता है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फॉलोज प्रिडिक्टेबल पैटर्न, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, इन्फ्लुएंस बाय बोथ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। फोर्थ सर, फोर्थ उसका सेकेंड वाला सही जवाब है। सेकेंड, डेवलपमेंट फॉलो करता है अनुमानिक पैटर्न, प्रेडिक्टेबल पैटर्न। कैसा सर, वो ऑल डोमेन्स नहीं आएगा किसी के अलग। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, तो विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। लास्ट में आपने जो दिया था तो क्या था वो, परिपक्वता और अनुभव। तो अनुभव दोनों का विकास को प्रभावित, तो दोनों का विकास नहीं हो रहा वहां पर, अच्छा मतलब मैच्यूरेशन और एक्सपीरियंस वाला। तो उस हिसाब से डिसकंटिन्यूएशन भी नहीं है नेचर में, और इंटर रिलेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए। तो जो कि है प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, कि वो किसी में कम ज्यादा, मतलब होता है ना कि कोई पहले लीड दौड़ रहा है, वैसे में प्रेडिक्टेबल सिचुएशन में है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, That's about quantity and quality change. तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, बोथ क्वालिटी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसके बाद है नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर डेवलपमेंट। नेचर मतलब ये कुदरती, और नर्चर मतलब पालन पोषण, ऐसा है। हेरिटी, विरासत, क्रोमोसोम्स, तो ये जेनेटिक्स या क्रोमोसोमिक वे में जो असर डालता है, इन्फ्लुएंस चाइल्ड पे, एक्सपीरियंस पे उसके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट। तो उसका थर्ड नर्चर बिल्कुल सही जा, नर्सर, सोशल हाँ और फिजिकल इन्फ्लुएंस करें। विच ऑफ द फैमिली फॉलोइंग आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर हो गया था, और नेबरहुड, फोर्थ फोर्थ, सर, फोर्थ नहीं फोर्थ है, फोर्थ फैमिली सर, नेबरहुड, एंड नेबरहुड, मीडिया सेकेंडरी। नहीं ऐसा कंफ्यूज करना दे सकते हैं आपको सवाल, आपको साथ ही साथ, मतलब पहले फैमिली दे दिए, उसके साथ दूसरा मिला खाली दिया। फैमिली देखे ठीक कर दो बोलते हो। हाँ, कमल रीजन करता है कि दैट ही विल गिव अ क्रेयन टू तनु इफ शी ऑल्सो गिव हर वन, सो दैट इट इज इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स। तो ये स्टेज की कौन सी उसमें आ रहा है, टिट फर्स्ट फॉर टैट। इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्स्ट हाँ, टिट फॉर टैट मतलब फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर्पस। इंस्ट्रूमेंट तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन टू बिल्ड ऑन ईच अदर्स प्ले आइडिया स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टैंड करते हैं वो सिंबल्स, रिप्रेजेंट करता है जो ऑब्जेक्ट को, बट लैक होता है कन्वर्सेशन स्किल। प्री प्री पर्सनल, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल सर, थर्ड हाँ, तो थर्ड वाला है प्री ऑपरेशनल वाला, कि इसके स्टेज में चिल्ड्रन बिगिन करते हैं बिल्ड करने, ईच अदर को प्ले आइडिया स्ट्रेंथ और अंडरस्टैंड करने सिंपल, रिपीट रिप्रेजेंट जो करता है ऑब्जेक्ट, लेकिन लैक करेगा कन्वर्सेशन स्किल। 6 साल का बच्चा, 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड रीजन करता है कि टॉलर क्लास में ज्यादा वाटर है शॉर्टर से ज्यादा, इवन थ्रू फॉर्म ऑफ कंटेनर टू द ग्लास इन फ्रंट ऑफ हर आइज, क्योंकि इसके बावजूद भी कि दोनों को उसके आंखों के सामने उसमें डाला गया, तो इसके हिसाब से बच्चे की किस हिसाब से एबिलिटी किसकी है, डिसेंटर सर, फर्स्ट डी सेंटर है या फर्स्ट है या फॉर्म फर्स्ट हायरार्किकल फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सर, फर्स्ट उसका है थर्ड, डिसेंट्रेशन। अकेंद्रीयता, आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस पार्ट ऑफ पजल, ये चाइल्ड बोल रहा है। तो टीचर बोल रहे कि विच पीस शुड कम हियर एज दीज आर द लेग्स ऑफ द कैट,
चाइल्ड कह रहा है कि द पास, तो यहाँ पर गुड विच पीस लाइक अ पा दिस वन। तो ये फीचर इंट्रैक्शन का हाईलाइट जो किया हुआ है क्या है, ऑब्जर्वेशनल था, एक्सपोजिटरी, स्कैफोल्डिंग थी। स्कैफोल्डिंग 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 तो 8 का थर्ड बिल्कुल सही है, स्कैफोल्डिंग था। वहां पर असिस्टेंट हेल्प मिल रही थी टीचर के हिसाब से, क्यूज एंड क्लूज देने में आ रहा है ये पैटर्न, हिंट क्यूज एंड क्लूज। लेव वाइबर्ट्स की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इसमें से किसमें सिचुएटेड है? फर्स्ट सर फर्स्ट फर्स्ट हाँ, तो फर्स्ट इज राइट, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बेस्ड ऑन पियाजेटियन, पियाजेशियन की जो प्रिंसिपल, चिल्ड्रन में लर्न होते हैं कैसे? फोर्थ फोर्थ सर सेल्फ इनिशिएट एक्टिविटी एक्टिविटी, फोर्थ बिल्कुल सही है, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी के जरिए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में एक पर्सन स्किल है अंडरस्टैंडिंग किसकी, ये देखना है, फीलिंग एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स, दूसरों का। तो दूसरों का किसमें आएगा? इंटर इंटर में आएंगे इंटरपर्सनल, फोर्थ इंटर सर, फोर्थ फोर्थ इंटरपर्सनल। नेक्स्ट है टीचर शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू एग्जाम्पल विच डिपिक्ट वुमेन एज नर्सेस एंड टीचर एज एंड मेन एज डॉक्टर एंड पायलट। तो ये लीड किस पे करता है, जेंडर एम्पावरमेंट? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सेकंड, सेकंड सर सेकंड उसका ऐसा है कि 2 एंड 4 दोनों को बता दिया उन्होंने, स्टीरियोटाइप भी और हाँ कंस्ट्रेंट। फ्लेक्सिबिलिटी भी है सर हाँ नहीं, टू फोर्थ एंड बताए फोर्थ अच्छा शुड नॉट कंस्ट्रक्शन बी, था नॉट आ रहा है ना, मेंटली कर रहा है एग्जाम्पल कि वुमेन नर्स हो रहे हैं, कि नर्स में मतलब इन्होंने क्यों दे दी है कॉन्स्टेंसी, नर्स कभी कभार जरूरी नहीं कि लेडीज ही रहना, नर्स स्टाफ में मतलब हाँ वर्डिस वार्ड वाइज उसको नाम अलग दिया हुआ रहता है, और उसी तरह से मेन डॉक्टर, तो यहाँ डॉक्टर में भी जो है तो लेडीज एंड पायलट, ये सारा लीड रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहा एग्जाम्पल। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी भी बनी आ रही है जो बरकरार वाली है, और स्टीरियोटाइप भी हो रहा है। असर्शन है कि अप्रिंट रिच इन्वायरमेंट प्राइमरी क्लासरूम में ही जरूरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, रीजन है कि इमोशन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल लर्निंग में। फर्स्ट सर ए इज बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सर सर दोनों भी सही है राइट, पर आर इज नॉट एक्सप्लेन सर हाँ ये इमोशन हम जो है क्या तो बोले का एक्सप्लेनेशन नहीं है लैंग्वेज वाले का, और बाकी दोनों सही है। अर्जेंट गेट्स वेरी अपसेट विद व्हेन शी डज नॉट रिसीव अ स्टार ऑन हिज असाइनमेंट, असाइनमेंट में उसको स्टार नहीं मिलने पे अपसेट हो रहा है। तो शी गेट डिफेंसिव एट एनी क्रिटिकल रिमार्क ऑन हर वर्क। तो यहाँ पर इसका जो है फीडबैक अप्रोच तो इफेक्टिव किस तरह से रहेगा इस केस में, गिविंग हर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फीडबैक एंड अलाउिंग हर टू रिवाइज हर वर्क, मेकिंग श्योर दैट शी गेट्स द स्टार ऑन एवरी असाइनमेंट टू नॉट मेक हर अपसेट। अपसेट नहीं होने पर उसको हर असाइनमेंट पे स्टार देते जाइए, या फिर श्योर करना है कि नॉट गेटिंग स्टार ऑन ए अवार्ड सो सी बिकम यूज टू इट, उसको मिलना ही नहीं चाहिए कोई भी चीज, नॉट फर्स्ट सर फर्स्ट फर्स्ट लग गेटिंग। रहा सर फर्स्ट तो उसका फर्स्ट वाला सही है कि लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और अलाउ करना है उसको, रिवाइज करना है उसको, वर्क क्या गलती हो रही है उसको वहां पे वो समझेगा फिर। नेक्स्ट है फॉलोइंग नॉट फीचर ऑफ पोर्टफोलियो कौन सा है, पोर्टफोलियो का फीचर इसमें से नहीं है। फोर्थ उसका फोर्थ डिस्कनेक्ट एंड फोर्थ बिल्कुल कंपैरिजन सही है, पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ डिस्कनेक्टेड टेस्ट एंड क्विजेस एंड हेल्प इन असेंट असर्टेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। टू अकम्प्लिश द गोल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर क्लासरूम, द टीचर शुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल चिल्ड्रन स्ट्रेंथ इंटरेस्ट एंड नीड, दिस रिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अडॉप्ट थर्ड सर थर्ड असेसमेंट। रैंक फर्स्ट थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट एंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सर थर्ड सेकेंड रैंक है थर्ड है सर, जो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें सेकेंड नहीं है, डिसरिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिसरिगार्ड नहीं है, जी एडोप्टेशन है, अपनाना, प्रिपेयर करना, एजुकेशन प्लान और स्ट्रेंथ इंटरेस्ट एंड नीड।
और सेकंड का इसमें क्या था, वैयक्तिक विभिन्नताओं के निराकरण करना, तो निगेटिव टर्म उसमें आया। सेंसिटिव टू लाइट साउंड टच एंड अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन इम्पेयर्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओवर डिपेंडेंसी ऑन रूटीन्स एंड अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टेक्ट विद अदर्स आर प्राइमरीली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन डीलिंग विद। सर विजुअल इम्पेयरमेंट, सर हिंदी में ऑटिज्म, बताइए क्वेश्चन। ऑटिज्म लाइट ध्वनि स्पर्श अन्य संवेद जानकारी, ये कुछ सारा शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक थोड़ा, ये वही सब। ऑटिज्म ही चल। तो उसका है थर्ड ऑटिज्म, क्योंकि उसके अंदर सारा आ रहा है, मतलब विजन से भी रिलेटेड आ रहा है, इम्पेयर्ड वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ रहा है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जिसको कहेंगे सॉलिन स्पेक्ट्रम। Which of the following is not an effective intervention to include children from marginalized group in classroom? जो फोर्थ नहीं, सर, फोर्थ सेग्रेटिंग चीटिंग रोड अरेंजमेंट, सेग्रीगेशन फोर्थ। सर, फोर्थ। सेग्रीगेशन, हाँ ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है ये वाला, ये आ गया मैच द फॉलोइंग। दिस पेज का क्या है, डिसकैल्कुलिया, जो सबसे आसान है पहले वो डिसकैल्कुलिया। कैलकुलेट से डिसग्राफिया संबंधित भी, ठीक डिसग्राफिया है, लिखने से, राइटिंग। सी का सी सी डी का सर, इस डी बात का का सी सेकंड है सर, डी का सेकंड है, डी का सेकंड जिसमें है सर वो सी का थर्ड है, पीछे सर सी का जी थर्ड, डी सर का सेकंड, एक ही जिसमें है सर फोर्थ सी का थर्ड वाला सी है, फोर्थ बता नहीं। आंसर सर, फोर्थ सर फोर्थ रहेगा, फोर्थ हाँ फोर्थ आंसर ठीक सर है। रहेगा उसमें। फोर्थ सर, फोर्थ, तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। जी फोर्थ में क्या क्या था पहले शुरू से देखेंगे। सर, यहाँ पर ए का फोर्थ, डिसफेजिया अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, तो डिसफेजिया का हो गया। फिर डिसप्रेक्सिया का हो रहा है, डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट रूटीन टास्क इन्वॉल्विंग बैलेंस फाइन मोटर कंट्रोल एंड काइनेस्थेटिक कोऑर्डिनेशन, डिसप्रेक्सिया का। डिसकैल्कुलिया का ये है, और डिस ग्राफिया, ये चलते चलते इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये काम का है बहुत। डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया क्या है, एबिलिटी दैट कैन अफेक्ट द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। लेकिन इसको एज अ क्वेश्चन लेना स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप उसको पढ़ लेंगे वैसे ही उल्टा पढ़ लेंगे। इसमें भी सर ऑप्शंस भी बता दो, दोनों का हाँ बैठते हैं। ये ऑप्शन में फोर्थ वाला ऊपर भी क्वेश्चन है आपका, तो भाई, कैसे आपको लेना है। सेपरेटली फर्स्ट और सेकंड वाला बात बताना है। सर हाउ कैन अ टीचर फॉस्टर क्रिएटिव थिंकिंग, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। फास्ट सर, फास्ट प्रोवाइडिंग लर्न अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी इन इन डिफरेंट वेज, वेज, मम्मी बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग लर्नर अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट वेज, थर्ड वाला बिल्कुल सही। व्हाट सीक्वेंस अ चाइल्ड शुड अडॉप्ट व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, क्या अपनाना चाहिए सॉल्व प्रॉब्लम करकर। फोर्थ डाटा कलेक्शन, फोर्थ सर, सर, थर्ड थर्ड एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, हैपनिंग, इंटरप्रेटिंग, उसका है एक और फोर्थ भी दूसरा, हाँ, दोनों भी सही। हाँ थर्ड लग रहा सर हमको, थर्ड, फर्स्ट हाँ इसको डिफाइनिंग प्रॉब्लम भी को सही है ना, आइडेंटिफाई एक फोर्थ ही कर दिए थे, हाँ फर्स्ट थर्ड कर दिए, तो बोले थे ना। ये भी डायरेक्ट देखिए। और हाइपोथेसिस आना चाहिए उसमें, डेटा कलेक्शन लास्ट में, और टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, मार्क्स भी देखे मिलेंगे, दो दो लोगों को मार्क्स मिलेंगे जिसने एक किया और तीन किया। वेरिफिकेशन भी है सर। अ टीचर हु बिलीव्स दैट ऑल स्टूडेंट्स इन हर क्लास आर कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस बाय स्टडीइंग सक्सेस टू देयर। एबिलिटी, एबिलिटी फर्स्ट सर, तो सेकंड है एफर्ट्स, एफर्ट, एफर्ट सर, एफर्ट है स्टूडेंट को क्लास में कैपेबल इंप्रूव करने उनका परफॉर्मेंस, स्टडिंग सक्सेस टू देयर एफर्ट्स। एफर्ट डालने पर होगा हाँ पर्सनल ना।
प्रदर्शन सफलता का श्रेय किसको देता है? तो इसमें था प्रयत्न को। टीचर शुड हैव हाई एक्सपेक्टेशंस किससे है? ओनली ऑल ऑल एक्सेप्ट फिर करता रिस्पेक्टिव। उसको सर फोर्थ फोर्थ में सिर्फ नहीं, फोर्थ में तो जेंडर बाइस है सर। सेकेंड होगा सर, सेकेंड 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 ऑल स्टूडेंट सेकेंड लग रहा रहेंगे सर तो, हाँ क्योंकि इररिस्पेक्टिव थर्ड होता है में एक्सेप्ट जेंडर है। एंड हाँ क्लास, तो सेकेंड इसके रहेंगे जेंडर और क्लास को छोड़कर। और यहाँ पर था कि जी सर, लैंग्वेज में गर्ल्स और मैथमेटिक्स में बॉयज। जी सर। नेक्स्ट, विच फ्रेमवर्क प्रपोजेस द दैट लर्निंग इज एक्टिव एंड टेक्स प्लेस इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। पीटर सेज आई फेल बिकॉज आई एम स्टूपिड एंड आई एम दैट मींस आई विल ऑलवेज फेल। इसका क्या है ये केस? सेकेंड सेकेंड रहेगा सर, सेल्फ सेल्फ सेक्युलराइजेशन। रहेगा सर सेकेंड। उसका क्या है? स्वत यथार्थ था, ये लर्न हेल्पलेसनेस। तो उसका फोर्थ सही जवाब है, हेल्पलेसनेस। वो हेल्पलेसनेस फील कर रहा है इसलिए वो होप छोड़ दे रहा है। कॉम्प्लिकेट कर दे NEP 2020 प्रपोज करता है इसमें से क्या? डैश रहा शुड है। थर्ड डैश टू प्रमोट थर्ड क्रिटिकल सर, एक्सपीरियंस लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। थिंकिंग। सर थर्ड क्रिटिकल थिंकिंग तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। तो सर, हम देखना चाहते हैं फिर से। कौन से वाला? थर्ड वन, ये थर्ड वन, ये जो हुआ था। एनईपी बोलता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बढ़ावा देना चाहिए। प्रोमोट क्या करेगा वो? क्रिटिकल थिंकिंग को। अब यहाँ पे शिफ्ट वगैरह नहीं था तो वो चीजें देखना जरूरी है। राइट, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्निंग इज लाइकली टू इम्प्रूव व्हेन। फर्स्ट सेकेंड है इसका, सर, पीडी मटेरियल्स सेकंड ऑर्गेनाइज्ड सर, टू कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट लर्निंग लाइकली इम्प्रूव ये सेकंड स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज होगा कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर में। ये क्यों नहीं हुआ? डिवाइड हो रहा है, ये लिस्ट है इसमें। और इसमें क्या है? विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट। एवरीवन है ना, विदाउट टेकिंग अकाउंट। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मैक्सिमाइजिंग एकेडमिक लर्निंग टाइम? सेकेंड, फोकस ऑन अटेंशन कोचिंग। सेकेंड सर, थर्ड 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 रहेगा, थर्ड आपको थर्ड देखना थर्ड चाहिए रहेगा क्योंकि सर। आप रोने का है वो दादी में। उसका है सेकेंड। टीचर हो इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट हाउ लॉन्ग दे विल हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी इन प्लेस म्यूजिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। ये क्या था? 28 सेकेंड। इसको स्टॉप करने का बोल रहा देखिए पहले एक एक से देखेंगे। मोस्ट इफेक्टिव मैक्सिमाइज कर रहा है एकेडमिक को, मैक्सिमाइज कर रहा है लर्निंग टाइम को। तो जब लर्निंग टाइम को मैक्सिमाइज कर रहा है तो हाउ लॉन्ग आएगा? देखिए मैक्सिमाइज से हाउ लॉन्ग दे हैव टू कंप्लीट एक्टिविटी एंड प्ले म्यूजिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। मतलब ऐसे आप आपको एक एक घंटा लेक्चर लो बोले और आपने 5 मिनट में खत्म हो गए तो आप बाहर थोड़ी आ जाएंगे। आपको एक घंटा वो क्लास को मैनेज करना है, तो उस हिसाब से ये मैक्सिमाइजिंग सर। एकेडमिक लर्निंग टाइम है। तो उसको फिर वो कंप्लीट करेंगे एक्टिविटी को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। फिर जिम को गए 5 मिनट जाके आ गए, मतलब जो एक सिस्टमेटिक रखा हुआ है टाइम वो हिसाब से। अब ये क्या हो रहा है कि रिक्वायर्ड इज टू सिट अप स्ट्रेट एंड फोकस ऑल द अटेंशन ऑन कॉपी। ये कॉपी करते रहना, ये तो निगेटिव में आ गया। और रेगुलरली आपने जो बोले थे सबने, वो रेगुलरली स्टार्ट ऑन एक्टिविटी स्टॉप स्टॉप कर देना इन फेवर ऑफ अनदर, दूसरे के जान पर।
देन रिटर्न्स टू द फर्स्ट एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी पे फिर वापस आ जाता। तीसरे पे क्या आ रहा था, वह अध्यापक जो नियमित रूप से एक गतिविधि करता है दूसरों की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक दे रहा है, मतलब बच्चों को लगा कि आज हिस्ट्री का रहने देना, स्टोरी सुना दो, तो उस पे से जाकर वापस आ जाए, तो वो उसका एक एमफुल नहीं हो रहा, मीनिंगफुल में नहीं आ रहा है वो ऑब्जेक्ट। और पहला क्या था कि फोकस कर रहा है क्लासरूम डिसिप्लिन पर, रिप्रिमांड यहाँ पर ये निगेटिव आ गया, फटकारना डांट डपट, तो उस हिसाब से इससे याद रखिए, मैक्सिमम मैक्सिमाइजिंग लर्निंग टाइम और लॉन्ग दे विल हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी ड्यूरिंग टाइम ट्रांजिशन। व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इन एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, जब बच्चा फेल होता है, बहुत सिंपल है, हमेशा से आता रहता है क्वेश्चन, हार्ड एक सेकंड में जवाब दे सकते नहीं हैं। नहीं 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 फर्स्ट सर सिस्टम सर फोर्थ सिस्टम फेल हुआ टीचर सर, सिस्टम फोर फोर्थ अगर टीचर बच्चा फेल हो जाता है तो सिस्टम फेल हो टीचर जाता है, राइट, स्कूल सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम सिस्टम भी फेल हो अगर गया, नहीं रहता तो फिर पेरेंट आता था ऐसा जरूरी नहीं, चिल्ड्रन दिमाग नीड को टू बी लगा रहे प्रोवाइडेड, हैं। नहीं फिर वो आता था जैसा इससे पहले पूछा था, एबिलिटी खुद से जो चीज हुई वो जो आया था ना, आई कैन फेल मतलब मैं हो ही नहीं पाऊंगा, तो वो टाइप का क्वेश्चन रहता था जिसमें फिर उसको हेल्पलेसनेस में आता था, पेरेंट्स को कभी भी दोष नहीं दिया जा सकता, चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोवाइडेड, नहीं अपॉर्चुनिटी सच एज मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो कभी कभार आंसर की रॉन्ग निकल जाते हैं ना, तो उसमें जाते हैं एक्सपेरिमेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन टू फॉस्टर देयर इनहेरिटेंट इंटरेस्ट इन मीनिंग मेकिंग और लर्निंग एक्टिव है और सोशल है उसके कैरेक्टर में। ये तो सही जी है, सर, बहुत बोथ ए एंड आर ट्रू सर, बहुत ए एन आर आर करेक्ट, बट बोथ ए आर राइट है सर, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट आर नॉट एक्सप्लेन ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का, यस हाँ फर्स्ट जी है, सर, फर्स्ट है। पढ़ना चिल्ड्रन नीड टू प्रोवाइड, इसको बिफोर जोड़ के देख लेना है, चिल्ड्रन नीड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज सच एज मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन, एक्सपेरिमेंट का, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन टू फॉस्टर देयर इनहेरेंट इंटरेस्ट इन मीनिंग मेकिंग, बिकॉज लर्निंग इज एक्टिव, ये तो होता है और सोशल कैरेक्टर में, और यहाँ बिकॉज लगा के देखे क्यों, तो चिल्ड्रन को प्रोवाइड होगा अपॉर्चुनिटीज मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट की। अरे बैठे था ओके सर, वीडियो देखने के बाद जरूरत है, हम सीधे सर हाँ ये 30 कंप्लीट हो हो चुके, गए हाँ सर 30 क्वेश्चन। 30 कंप्लीट हो गए, अब मगरिब जी की सर नमाज के जरूर, बाद में दूसरा स्टार्ट करें। हाँ जी जजाकल्लाह। जी आप